व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स समूह के एक शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में चीन, भारत और ईरान सहित देशों के 36 विश्व नेताओं की मेजबानी की है, जो मॉस्को को कुछ दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। शिखर सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य डॉलर लेन देन की संख्या को कम करने के तरीकों में तेजी लाना होगा और अपनी राजनीतिक इच्छा को लागू करने के लिए प्रतिबंधों के खतरे का उपयोग करने की अमेरिकी क्षमता को कम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि एंटोनियो गुटेरेस पिछले साल की तरह शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनके फैसले ने यूक्रेनी विदेश मंत्रालय सहित पश्चिम में कई लोगों को नाराज कर दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने बच्चों के अपहरण के मामले में मार्च 2023 में पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गुटेरेस अपने विचार दोहराएंगे कि यूक्रेन पर आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। मॉस्को ने कहा कि 36 देशों के प्रतिनिधि 3 दिवसीय बैठक में भाग ले रहे थे, जिसमें फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने का आदेश देने के बाद से यह पुतिन द्वारा आयोजित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सभा बन गई। रूस इस वर्ष समूह का अध्यक्ष है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कंजान में पुतिन को अपने प्रिय मित्र के रूप में बधाई दी और दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, दुनिया एक सदी में अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अराजक और आपस में जुड़ी हुई है। चीनी नेता ने कहा, चीन रूस संबंधों ने दोनों देशों के विकास, पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण में मजबूत प्रेरणा डाली है। पुतिन ने कहा कि वे अधिक वैश्विक स्थिरता लाने के लिए चीन के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने शी जिनपिंग से कहा, हम वैश्विक सुरक्षा और न्याय संगत विश्व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों में समन्वय को और बढ़ाने का इरादा रखते हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध शीघ्र और शांतिपूर्ण ढंग से हल हो। मोदी ने बातचीत को प्रोत्साहित करने के प्रयास में अगस्त में कीव और जुलाई में मॉस्को का दौरा किया और दिल्ली को एक संभावित शांति दूत के रूप में पेश किया, लेकिन तब से कुछ विकास नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, जिन्होंने संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की मांग की है, उन्होंने मॉस्को के मूल्यवान सहयोगी और मित्र के रूप में प्रशंसा की, जिसने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में शुरू से ही हमारा समर्थन किया। पुतिन ने मंगलवार को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेव के साथ बातचीत करते हुए कहा कि डॉलर या यूरो के बजाय स्थानीय मुद्राओं का उपयोग आज की दुनिया के संदर्भ में जहां तक संभव हो आर्थिक विकास को राजनीति से मुक्त रखने में मदद करता है। रूस का दावा है कि समूह अब वैश्विक बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है, जो आने वाले नई वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व बन सकता है। ब्रिक्स समूह पहले ही अपने 5 सदस्यों दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राजील और भारत से मिश्र संयुक्त अरब अमीरात सहित एक व्यापक समूह तक विस्तारित हो चुका है। इथियोपिया और ईरान, अर्जेंटीना ने आवेदन किया और फिर राष्ट्रपति चुनाव के बाद वापस ले लिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान मिस्र की आर्थिक परियोजनाओं के लिए रूसी समर्थन की सराहना की। उनमें से प्रमुख सीसी ने कहा, भूमध्य सागरीय तट पर एल्डाबा में मिस्र का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जिसे रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम द्वारा बनाया गया था। नए आवेदक, जिन्हें अक्सर हेजिंग राज्यों के रूप में जाना जाता है, जो सदस्यता प्राप्त करने के विभिन्न चरणों में है, उनमें तुर्की और सऊदी अरब शामिल है। गुटेरेस के अलावा इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य लोगों में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, साथ ही अल्जीरिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडोनेशिया और मेक्सिको के नेता शामिल हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कजान में शिखर सम्मेलन के रास्ते में कहा, ब्रिक्स अमेरिकी अधिनायकवाद से बाहर निकलने और बहुपक्षवाद का मार्ग बनाने का एक रास्ता हो सकता है। डॉलर के प्रभुत्व और देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए ब्रिक्स एक समाधान हो सकता है। भारत और ब्राजील डॉलर के प्रभुत्व से मुक्त होने की कुछ इच्छाएं साझा करते हैं, लेकिन चीन या रूस जितनी नहीं। शिखर सम्मेलन के विज्ञप्तियों में पश्चिम विरोधी भाषा के बावजूद, उदाहरण के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। गठबंधन को पूरी तरह से पश्चिम विरोधी बनने से रोकने के प्रयास के तहत ब्राजील वेनेजुएला को समूह में शामिल किए जाने के खिलाफ सलाह दे रहा है। अगले महीने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी और इस सप्ताह के अंत में जॉर्जिया में चुनाव में अनुकूल परिणाम की संभावना के साथ दूसरे राष्ट्रपति अधिक आमतौर पर उम्मीद कर रहे होंगे कि विश्व घटनाएं उनकी दिशा में झुक रही है।
अल्पावधि में यूक्रेन संघर्ष का भविष्य ट्रंप के चुनाव पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वह हार जाते हैं तो यूरोप में युद्ध की थकान के कारण कई पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यूक्रेन को कम से कम पुतिन के साथ बातचीत शुरू करनी होगी, जबकि रूसी सेना अभी भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रही है। पूर्वी यूक्रेन का शिखर सम्मेलन में भाग लेने के गुटेरेस के फैसले का अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। 2014 में ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उनकी एकता कमजोर हो गई, जहां भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अनुपस्थित रहे और ब्राजील ने रूस के कार्यों की निंदा की। लेकिन ब्रिक्स प्लस की स्थापना का उद्देश्य सुरक्षा नहीं है, बल्कि आर्थिक और तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित करने का एक साधन है जो अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों से मुक्त है। आंशिक रूप से डॉलर को दरकिनार करके और युआन की अंतर्राष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाकर ब्रिक्स प्लस समूह की संयुक्त जीडीपी G7 या यू से अधिक होने के बावजूद इसकी पूंजी हिस्सेदारी और इसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जैसे संस्थानों में मतदान का प्रभाव काफी कम रहता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य देश की मतदान शक्ति का भार इस पर होता है।